आपका? राजकुमार भाटी को, राजकुमार भाटी। अच्छा, राजकुमार भाटी जी को वोट करेंगे? क्यों राजकुमार भाटी जी को वोट करेंगे? राजकुमार भाटी को है? राजकुमार भाटी नहीं, क्यों करोगे वोट राजकुमार? राजकुमार भाटी जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम जी, कैसा माहौल चल रहा है दादरी विधानसभा का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो कौन सी पार्टी को ज्यादातर वोट सपोर्ट कर रहे हो? बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी। जी जी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ये हमारे बड़े भाई हैं, इस पार्टी से पहले से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और हम इनके साथ हैं। नहीं, आप इनकी वजह से जुड़े हो या इनकी वजह से वोट कर रहे हो या विकास के मुद्दे को लेकर बात करोगे? नहीं, विकास तो काफी हुआ है यहाँ पे, पहले से विकास करा है। किसने विकास कराया? ये हमारे मायावती हैं। अच्छा अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में विकास किया है जी, और हमारे बड़े भाई ये जुड़े हुए हैं इस पार्टी से। जो बहुजन समाज पार्टी को आप वोट करोगे वो विकास के नाम पे करोगे? जी जी। अच्छा, बाबू जी का क्या नाम है? मोहम्मद फरियाद। मोहम्मद फरियाद, किसका माहौल चल रहा है बाबू जी? जी, हम तो अपने भैया के साथ हैं। भैया जी के साथ है। अच्छा, चेयरमैन साहब। अच्छा, अजी आयु मलिक जी हैं ये जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं दादरी, चेयरमैन के प्रत्याशी रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। हाँ जी प्रत्याशी जी, भाई मलिक जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल हमारे क्षेत्र में बहन जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं, जैसे कि एम्स ये यूनिवर्सिटी होगी वर्ल्ड लेवल की। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, एम्स की तर्ज पर हॉस्पिटल बनाए, नोएडा में डिग्री कॉलेज बनाए हैं जी, बहुत कार्य किए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे बनाया है, और इस जिला सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ पर जिला बनाया है बहन जी ने, नोएडा जिला बहन जी की देन है जी। तो मतलब यह है कि जो भी वोट मिलेगा बहन जी को गौतम बुद्ध नगर में, तीनों प्रत्याशियों को, वो विकास के नाम पर मिलेगा? देखिए, बहन जी के नाम पे वोट मिलेगा, बहन जी नोएडा जिला जो है बहन जी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमारे गृह जनपद की रहने वाली हैं बहन जी, इस लिहाज से इसमें कोई बिरादरी नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, बहन जी से हर व्यक्ति प्यार करता है। तो ये तीनों सीट बहन जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी आपका सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? देखिए, विकास नहीं, वो तो बांटने की राजनीति करते हैं। अभी मोदी जी ने कहा 80-20, 80-20 का मतलब क्या है? 20% मुसलमान, 80% हिंदू, वो जातिवादी का जहर बोल रहे और कुछ नहीं है। तो रोजगार की भी बात करते हैं? कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, सब सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उनकी। बोल रहे हैं हमने शिक्षा के स्तर को नंबर वन बना दिया। शिक्षा के स्तर को नंबर वन बनाया, देख लो ना कैसे शिक्षा हो रही है पर उत्तर प्रदेश में, क्या हालत है। नौकरी वालों को नौकरी नहीं मिली, काम वालों को काम नहीं मिला, भूखे मर रहे लोग। 2 करोड़ रोजगार की भी बात करते हैं वो तो? हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन 200 रोजगार दिए नहीं है उन्होंने अभी तक इस जिले में। फ्री राशन तो दे रहे हैं लोगों को? फ्री राशन का अपने पास से दे रहे हैं, हमारे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के उसमें से राशन दे रहे हैं, इनका कोई अपने जेब से निकाल के दे रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा के फ्री राशन दे रहे, कोई भी दे सकता है क्या? इससे पहले कुछ पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया काम, उन्होंने भी बहुत कुछ किया इस देश में। जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ हेलीकॉप्टर बनाने लगी, हवाई जहाज बनाने लगी। नहीं, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा, जैसे बहन जी की गवर्नमेंट 5 साल रही यहाँ पर, उसके बाद अखिलेश जी की भी सरकार रही, उसके बाद बाबा जी की भी सरकार रही जो मोने योगी जी रहे हैं, और तीनों की सरकारों में आप जो सर्वश्रेष्ठ का जो वो आप देंगे, आप किसको देंगे? भाई सर्वश्रेष्ठ का तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूछ लो, बहन जी से शासन किसी ने नहीं चलाया, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी हो, सब फेल है बहन जी क्या करें। मैंने यहाँ दादरी में लोगों से बात करी, तो मैं एक भाई है, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राशि सिद्दीकी है। राशि सिद्दीकी जी, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव? माहौल देखो, ये यहाँ पर ऐसा चल रहा है जो विकास के नाम पर वोट मांगी जाए, विकास के नाम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में जो काम किया है, सबसे पहले उन्होंने देखो यहाँ पर एक काशी अपनी सरकार का क्या सरकार बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी है? बहुजन समाज पार्टी ने जो यहाँ पर विकास किया है, गरीबों को, बेसहाराओं को, जो मकान, 5 साल अखिलेश की भी सरकार रही है, जो 5 साल वो रही है, मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या सरकार रही है। तो बहन जी की सरकार में यहाँ पर बेसहाराओं के लिए काशीराम योजना के एक फ्लैट मिले थे वो फ्लैट, और फिर यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी। आपको मिला काशीराम योजना से कोई फ्लैट? हमारे मिलने वालों को मिले, जो किराए पर रहते थे, परेशान रोड पर बिताते थे जिंदगियों को, वो आज फ्लैट में अपने ऐश की जिंदगी गुजार रहे।
और फिर उन्होंने शिक्षा के लिए गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी खुलवाई जी, और हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनाया एम्स की तर्ज पे। और उसके बाद अब आ जाइए आप समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक रही है जी, जी। उसके प्रत्याशी दावा ठोकते हैं कि अगर मैं जीतता हूँ जो दो ये जो बोर्ड लगे हुए 200 किलोमीटर दूर से शपथ लेने के बाद दो घंटे बाद उखाल के फेंक दूंगा। मैं उस प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूँ 2012 से 2017 तक आपकी सरकार रही थी, उन 5 सालों में क्यों नहीं उखाले? क्या आप जीतने के बाद ही उखालोगे? सरकार तो आपकी थी तो यहाँ से तो उस समय समाजवादी पार्टी का कोई विधायक भी नहीं था। विधायक नहीं था सरकार तो पार्टी तो पावर तो विधायक की होती है। जो पावर सत्ता में मिनिस्टर भी उसका था, कैबिनेट मंत्री थे जी। मंत्री की क्या पावर नहीं होती? मतलब यह है कि अगर विधायक नहीं बने तो सरकार में सिफारिश लगा के करवा सकते। मंत्री था उस टाइम पे, फिर सुरेंद्र सिंह नागर सांसद हुआ करते थे तो वो भी एक अपने राज्यसभा सांसद भी रहे, तो उन्होंने कुछ नहीं करा आज तक, उन्होंने वोट नहीं फेंके। और बहन जी की सरकार में रोजगार भी मिला, सब चीज़ मिली। और अब आ जाइए आप बीजेपी पार्टी पे। बीजेपी के विधायक भी हैं यहाँ पर, 3 विधानसभाएं हमारे यहाँ पर, तीनों विधायक बीजेपी के, नवेड़ा दादरी और जेवर। नहीं, आप तेजपाल नागर जी जो सिटिंग विधायक है आपके यहाँ कभी आए नहीं? आपके यहाँ क्या, आप जाकर देखिए हमारी सड़कों की बदहाली कैसी है। आप यहाँ से निकल जाइए दादरी कटहर रोड से कब्रिस्तान पड़ते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने यूपी को नंबर वन बना दिया रोड के मामले। मैं बता तो रहा हूँ भाई आपको, आप यहाँ से देख लीजिए दादरी में कब्रिस्तान पड़ते हैं मुस्लिमों के, वो कटेड़ा गांव में निकल जाते हैं। उस रोड पर आप जाइए कभी तेजपाल नागर जी को लेकर जाइए, क्या आप चलो तो मुझे लग रहा है कि उनको जो है ना पैजामा भी या तो उतार के आना पड़ेगा, हाफ नेकर पैर का आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो गार में सन जाए। उस रोड की बदहाली देखिए आप, क्या कारण है कि वहाँ पर कब्रिस्तान है इसलिए विकास नहीं हुआ, या वहाँ पर कुछ मुस्लिम बस्तियाँ इसलिए नहीं हुआ? बहन जी की सरकार में 2008 से पहले केंद्र में जिस टाइम कांग्रेस थी और बहन जी की सरकार थी राज्य में, हमारे लिए एक अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज आया हुआ था। 5 साल हमने चक्कर लगाए, प्रताप चौहान जिलाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी में, उसके बाद फकीर चंद नागर भी बने, हमने सबके पास जा जाकर उसके दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उस स्कूल पर आज तक कोई काम नहीं कराया, क्योंकि वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मिला हुआ है अल्पसंख्यक के लिए जी, जी। इंटर कॉलेज, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे मजबूत बनेंगे। और बाबा जी के लिए तो मैं एक शेर कहूँगा कि इस तरह कर देंगे सर उठाकर ना चल पाओगे, इस तरह कर देंगे सर उठाकर ना चल पाओगे, आपको वोटों से इस तरह हराएंगे, बीजेपी ने तो भगाया था आपको अयोध्या से और हम आपको प्रदेश से भगाएंगे। वो तो अयोध्या के बाद मथुरा में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना, हम उनको प्रदेश से ही भगा देंगे। वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो एक सियासी मामला है। पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, बाबरी मस्जिद पे हमने कह दिया कि ठीक है जैसे भी आप करो करो, क्योंकि अब उन्हों को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब उन्हों को ये पता है कि हमें सेंटर में सरकार लानी है, प्रदेश में सरकार लानी है, तो कहीं ना कहीं भी वो मंदिर का मुद्दा बना सकते हैं। ये तो बाद की बात है, मंदिर और मस्जिद का क्या होना है वो तो कहीं भी। वो बोल रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ ये है, अगर वो सबका साथ और सबका विकास करते तो यहाँ पर बेसहारा इतने लोग ना बोलते। सांसद उनों का है, 3-3 विधायक उनों के हैं, और हर कोई आज देखे कंपनी जिसको वो ये कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, कंपनी में जहाँ 10,000 वर्कर काम करता था आज 2,000 वर्कर काम कर रहा, 8,000 कहाँ जाएगा, बेचारा क्या करेगा। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, बी मिशन टीवी से, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।